हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गाड़ी के ORVM सेट कैसे करें, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो तो ORVM को सेट कर ही नहीं पाते, और वैसे भी 50% ड्राइवर्स इसको ढंग से सेट नहीं कर पाते। तो मैं इसको आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और उसमें नए नए आपको तरीके और ऐसे डिफिकल्ट तरीके बताते हैं, उसमें आपको समझ आता है या नहीं आता है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल छोटा सा तरीका बताऊंगा और आप तुरंत समझ जाओगे, बिगनर्स भी और जिनको नहीं पता कि हमारे ORVM कैसे सेट होने हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूं, आप उसे बस ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी ड्राइवर साइड मिरर की। जब आप अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपना मिरर सेट कर लो, ठीक है, तो आपको ये अपना जो रियर व्यू है तो मिरर में ये वाला दिखना चाहिए, जो हमारी कार का बॉडी का हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखना चाहिए इधर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद पूरी रोड आपको खाली दिखाई देती है। तो इस पे आपके अगर दो लेन भी हुई, आप जिस लेन में चल रहे हो उसके अलावा अगर आपकी साइड पे दो लेन अगर और हुई ना, तो वो भी आपको दोनों लेन साफ दिखाई देगी। बस आपको ये अपनी कार का जो है पिछला हिस्सा सिर्फ थोड़ा सा दिखना चाहिए, बस ये इतना सा इस हिस्से में, बाकी इसके बाद जो है खाली दिखाई देना है, पूरी रोड आपको साफ दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले मिरर की, जो को ड्राइवर साइड मिरर होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम अपनी ड्राइवर सीट से बैठ के देखेंगे तो हमें जितना हिस्सा हमें इसमें दिख रहा था, ठीक है दोस्तों, हमारे राइट साइड वाले में, तो हमें सेम वही सेट करना है उसको। तो अभी मैं यहाँ अपनी ड्राइवर सीट से देख रहा हूँ तो उसमें हमारी कार का जो बॉडी का हिस्सा है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं उसको सेट करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा। देखिए दोस्तों, वो बिल्कुल परफेक्ट इसी कंडीशन में आ गया है जैसे कि ये हमने इधर वाला सेट किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं ड्राइवर सीट से बैठ के देखूंगा तो मुझे ये भी सेम इतना ही हिस्सा दिख रहा है मुझे मेरी गाड़ी का, और इधर वाले शीशे में भी इतना ही हिस्सा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये करीब से देख लो, ये हमें इतना हिस्सा दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोनों मिरर तो ये हमारे सेट हो गए। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने केबिन मिरर की। तो इसको हम सेट करेंगे, जो हमारा पीछे वाला शीशा है तो वो हमें पूरा प्रॉपर इसमें दिखना चाहिए, ये बस इसकी ये सेटिंग होती है। थोड़ा आपको कम थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जितना भी हमारा ये पूरा पूरी पीछे का हिस्सा होता है ना, ये पूरा इसमें नज़र आना चाहिए, इसकी ये सेटिंग होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सिंपल सा तरीका अपनी गाड़ी के ORVM सेट करने का। तो जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा फ़ायदेमंद होगी वीडियो, बाकी काफ़ी लोग जानते होंगे कि अपनी गाड़ी के ORVM कैसे सेट करने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।